कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो इस तस्वीर को तो आप जानते ही होंगे, ये एडवोकेट आशीष शेलार है। भारतीय जनता पार्टी मुंबई की ये चीफ है और हाल फिलहाल में जेपी नड्डा ने न्यू दिल्ली से एक लेटर इशू किया था इनके नाम। और मंगल प्रभात लोधा जो सीट पे ऑक्युपाई थे, जिस पोस्ट पे ऑक्युपाई थे, वो इन्हें अलॉट की गई। तो अभी ये बीजेपी के मुंबई चीफ है। आज संडे 23 अक्टूबर 2022 इन्होंने 8:49 पे एक ट्वीट करे, और ये ट्वीट करने का अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि आशीष शेलार बताना चाहते हैं जो दिल्ली में बैठे बीजेपी के रहनुमा कि हम मुंबई में रह रहे हैं, हम मुंबई में बीजेपी के चीफ है। तो इस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट करे जो आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें लिखा गया है स्पेशल सीबीआई कोर्ट कंफर्म्स वाजे वसूली एंड 100 करोड़ स्ट्रोक मंथ एक्सटॉर्शन वॉज कैरिड आउट बाय उद्धव जी गवर्नमेंट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख। दिस फेस्टिवल सीजन मुंबईकर्स विल बर्न द रावण ऑफ बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर स्ट्रोक करप्शन माफिया ऑपरेटेड बाय उद्धव जी सेना लूटिंग मुंबई फॉर लास्ट 25 ईयर्स। तो ये आशीष शेलार ने ट्वीट करे थे, और उनका ट्वीट करने का मकसद ये था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई थी जो अनिल देशमुख की तस्वीर के नीचे मेंशन है, इट इज क्लियर एक्सटॉर्शन वॉज बींग डन एट अनिल देशमुख्स इंस्टेंस सीबीआई कोर्ट मुंबई न्यूज। तो आशीष शेलार ने ये ट्वीट करे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज देखने के बाद, लेकिन यहां पे उन्होंने डायरेक्ट तंकीद की एक्स सीएमओ महाराष्ट्र उद्धव बाला साहब ठाकरे पे। अब हुआ क्या, उस ट्वीट के रिट्वीट में आपकी स्क्रीन पे शिवसेना गणेश, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से @शिवसेना12_ से रिट्वीट करे, और उन्होंने कहे हु इज लूटिंग मनपा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कौन लूट रहा है, आशीष कुरेशी उर्फ ... और नीचे उन्होंने बताया जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और साथ ही साथ जो नागपुर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो यहां पे इन्होंने जो मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बताए पॉइंट नंबर वन पे बताया 82,000 कोटी ठेवी यानी 82,000 करोड़ रुपया मुंबई कॉर्पोरेशन के पास है। नंबर टू 0 रुपया कर्ज, कोई भी कर्ज नहीं है बीएमसी पे। नंबर थ्री असियातील श्रीमन महापालिका, अब उसके बाजू में उन्होंने नागपुर का बताया जिसके ऊपर बीजेपी का कब्जा है। पॉइंट नंबर वन दिए उन्होंने 0 रुपया ठेवी यानी कि इनके रिजर्व में कोई पैसा ही नहीं है, सारा खर्चा हो गया है। नंबर टू पे दिए 529 कोटी रुपए का कर्ज, 529 करोड़ रुपए का कर्ज है नागपुर कॉर्पोरेशन पे बीएमसी की। और नंबर थ्री में दिए उन्होंने कर्मचारियों पगारांचा पेशांची बॉम्ब, तो जो भी कर्मचारी की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद एक प्रीतम है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बताया @नागपुरी बाबा रिप्लाइंग टू #शिवसेना12_@@ShelarAshishNagpuraTheliShivsenaHavi। उसके बाद अतुल ने जो ट्वीट करे उसमें बताया 25 ईयर्स मीन्स फ्रॉम 1998। आशीष शेलार जो कह रहे हैं ना कि शिवसेना 25 सालों से लूट रही है बीएमसी को, तो ये कह रहे हैं कि 25 ईयर्स मींस फ्रॉम 1998। फिर बाद में कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे डाइड इन द ईयर 2012, 2012 में बाला साहब ठाकरे का देहांत हुआ था, मींस यू आर स्ट्रेट वे क्लेमिंग दैट द बाला साहब ठाकरे वॉज इन्वॉल्व इन करप्शन। तो बहुत बड़ी बात कही अतुल ने, और डायरेक्ट उन्होंने आशीष शेलार पे इल्जाम लगाए कि आपका कहने का मकसद है कि 25 सालों से शिवसेना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन को लूट रही है, तो बाला साहब ठाकरे ने भी लूटा,
उसके बाद अतुल ने मजीद ट्वीट किए, रिप्लाई दिए, योर डिप्टी मेयर वॉज देयर टिल 2009। जिस तरीके से शिवसेना का कब्जा था बीएमसी में, तो जो डिप्टी मेयर था वो बीजेपी का था, मीन्स योर पार्टी वॉज ऑल्सो पार्ट करप्शन माफिया। इसका मतलब कि आपकी पार्टी भी इन्वॉल्व थी इन करप्शन माफिया के लिए। आशीष शेलार चीफ ऑफ बीजेपी मुंबई यूनिट, उनसे हमारी आजाना गुजारिश रहेंगी कि बराए करम ऐसे हॉट ट्वीट मत कीजिए आपके ट्विटर हैंडल अकाउंट से, इससे सिटी का माहौल खराब होता है। वैसे ही नफसा नफसी का आलम चल रहा है, धंधा पानी चौपट हो चुका है, अब मजीद उस पे आग बगोला होने वाला ट्वीट करने की वजह से सामने से भी रिट्वीट होता है और इससे सिटी का माहौल खराब होता है। तो आप इतने बड़े औहदे पे हो, बीजेपी के मुंबई यूनिट के चीफ हो, जो कि हाल फिलहाल में आपको ये पोस्ट दी गई है, तो बराए मेहरबानी इस तरीके ट्वीट कतई ना करें। खुदा हाफिज फ्रेंड्स। इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज वैल्यूएबल देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।